छोड़िए जिंदा साहब, छोड़िए वरना हम बता रहे हैं कि। वरना क्या करोगे तुम? वरना थप्पड़ मारेंगे आपको। तुम मुझे थप्पड़ मारोगी? पीछे नहीं हटे ना मेरा, तो जड़ देंगे। तो अब तो मैं बिल्कुल पीछे नहीं हटूंगा, बल्कि और करीब आऊंगा तुम्हारे। देखते हैं तुम कितनी जोर का थप्पड़ मारती हो मुझे। मैं ये तुम्हारा हाथ करके तुम्हें अपनी करीब पी लाऊंगा, तुम्हें किस भी करूंगा और तुम्हें यूं कोने में छिपकर कस के हग भी करूंगा। अगर तुम्हें लगता है कि तुम एक थप्पड़ मार के मुझे रोक सकती हो तो कोशिश करके देख लो, लेकिन मैं तो पीछे नहीं हटूंगा। इसी बहाने कम से कम तुम मुझे छूगी तो सही। क्यों इरिटेट कर रहे हो? छोड़िए ना। डन। आप हद पार कर रहे हैं जनरल साहब, छोड़िए। हद पार नहीं कर रहा हूं, तुम्हारी पीठ के पीछे एक चिट चिपका हुआ है, वो निकाल रहा हूं। ये चिट हमारे पीछे किसने? चिट अंतरा पड़ चुकी है। What? कुडन, अगर अंतरा ये चिट पड़ चुकी है तो हम एक्सपोज हो चुके हैं। She knows everything. हमें ओंडा का खेल यहीं खत्म करना पड़ेगा। नहीं, सिर्फ एक चिट की वजह से हम अपना प्लान चौपड़ तो नहीं होने दे सकते। कुछ तो हम तोड़ निकाल कर रहेंगे। अब क्या तोड़ निकालोगी तुम कुडन? अंतरा सब कुछ समझ चुकी है, जान चुकी है कि ओंडा और अजय एक इंसान है। हमें नया सोचना पड़ेगा। द प्लान इज ओवर। नहीं, हमने कहा ना। नहीं जिंदल साहब, अब चुप रहिए और हमें कुछ सोचने दीजिए। एजे और होंडा एक ही है, ऐसे कैसे हो सकता है? वेरी गुड इंद्रा जी, वेरी गुड। मतलब आप तक मेरा मैसेज पहुंच ही गया। ऐसे किसी चिट पे थोड़ी ना विश्वास कर सकती हूँ। अरे, और अगर किसी ने वो चिट लिखी है तो उसका कुछ तो मतलब होगा, लेकिन किसने लिखी है और क्यों लिखी है पता करना पड़ेगा। क्या माजरा है? जी बिल्कुल सही जा रही हैं, बिल्कुल सही जा रही हैं। मैं बोल रही हूँ, एजे ही मिस्टर होंडा है।